हेलो दोस्तों, मेरा विषय नहीं, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, शुरू में बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की, जिन अभ्यर्थियों ने इसमें कॉलेज व्याख्याता हिंदी कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की लिखित परीक्षा दी थी, जो कि 30/7/2018 से लेकर 28/7/2018 तक एवं दिनांक 4/9/2018 तक आयोजित किए गए थे, तो उसकी उन्होंने जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है, उसकी कट ऑफ लिस्ट है। तो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं, कैसे आप अपनी जो कट ऑफ और मेरिट लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मध्य देखिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com और ये जो पोस्ट है राजस्थान PSC सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2018, हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com, वहाँ से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप अपनी जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। इसमें जो आप लोगों ने राजस्थान PSC कॉलेज लेक्चरार के लिए जो आवेदन किए थे, जिसके जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उसकी 2014 की ये भर्ती थी, तो उसमें जो रिजर्व लिस्ट एंड कट ऑफ मार्क हैं कॉलेज लेक्चरार 2014 के लिए वहाँ पर दिया हुआ है, और जो इंटरव्यू रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स है मेन लिस्ट जो है वो आप यहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है, तो इन लिंक पर आप क्लिक करके अपनी जो कट ऑफ वो चेक कर। सबसे पहले हम बात करें रिजर्व लिस्ट एंड कट ऑफ मार्क्स ऑफ कॉलेज लेक्चरार की, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की PDF है वहाँ पर आप हो जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर कॉलेज व्याख्याता हिंदी कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी हेतु आयोग द्वारा साक्षात्कार दिनांक 30/7/2018 से लेकर 28/8/2018 तक एवं दिनांक 4/9/2018 को आयोजित किए गए थे। संबंधित सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित सूची तैयार की गई है। आरक्षित सूची में निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। विभाग द्वारा निर्धारित समय में मांग प्राप्त होने पर आयोग द्वारा इन अभ्यर्थियों के पुनः नियुक्ति हेतु अभी स्थापित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के जो रोल नंबर हैं वो दिए हुए हैं दोस्तों, साथ में आपकी जो मेरिट है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो रिजर्व मेरिट है हिंदी कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, इसमें कैटेगरी दी हुई है और मार्किंग रेंज और डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, तो यहाँ से आपकी जो मार्किंग रेंज है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसी जो आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निम्नलिखित 53 अभ्यर्थियों का परिणाम सीट कवर में रखा गया हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निम्नलिखित 53 अभ्यर्थियों का परिणाम सील्ड कवर में रखा गया है, तो ये जो 53 अभ्यर्थी हैं इनका जो परिणाम है वो सील्ड कवर में रखा गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो नोट साथ में और दिया हुआ है, उच्च परिणाम माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा DB याचिका संख्या 655/2018 में दिनांक 1/2/2018 में पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका SLP नंबर 26/791/18 राज्य सरकार बनाम हेमराज मीणा ने में होने वाले निर्णय के अध्याधीन रहेगा। तो उसमें P से तात्पर्य जो रहेगा प्रोविजनल है दोस्तों, जो उसमें ऊपर आपको P का वर्ड आपको कहीं दिखेगा तो वो उसका प्रोविजनल है, उसका तात्पर्य है। तो यहाँ से आप अपनी जो रिजर्व की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकेंडली बात करते हैं इसकी जो इंटरव्यू रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स हैं मेन लिस्ट जो है कॉलेज फॉर कॉलेज लेक्चरार के लिए, वो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप सभी के सेम उसी तरह से ही रोल नंबर दिए हुए हैं, जिसमें 30/7/2018 से लेकर 28/8/2018 तक दिनांक 4/9/2018 को आयोजित किए गए थे, जिसमें मुख्य सूची में अस्थायी रूप से चयनित घोषित किया जाता है। इनमें से स्पष्ट पात्र अभ्यर्थी के नाम संबंधित विभाग को अभी स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ से आप सभी का रोल नंबर और जो आपकी मेरिट है यहाँ से यहाँ पर दी हुई है। ऐसे ही यहाँ पर कट ऑफ जो मार्क है मेन मेरिट है वो यहाँ पर मार्किंग रेंज दी हुई है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो नीचे इसमें भी 53 अभ्यर्थियों का परिणाम जो है परिणाम सील्ड कवर में रखा गया है।
आप इसमें नीचे पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इनके अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाते हैं तो जो कि rpsc rajasthan.gov.in है, तो ये न्यूज़ के कॉलम में भी यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्व लिस्ट एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर कॉलेज लेक्चरर 2014, ऐसे ही यहाँ पर इंटरव्यू रिजल्ट दिया हुआ है। तो इन लिंक पर आपको क्लिक करके आप अपनी जो मेरिट कट ऑफ है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।